भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। दोनों टीम तैयारियों में जुटी हुई हैं। दो मैच की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से चेन्नई में होगी। इंडियन टीम तकरीबन 6 महीने बाद कोई टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, जबकि बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को उसी के घर में 2-0 से हराया है, जिसके बाद से बांग्लादेशी टीम के हौसले बुलंद है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन और लिटन दास जैसे प्लेयर्स के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन टीम में इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं 3 प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे इंडिया को सावधान रहना होगा। मेहदी हसन। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के सबसे इन फॉर्म प्लेयर मेहदी हसन से। ये ऑलराउंडर पिछले कुछ समय से कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग। मेहदी ने दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में, ये जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हुई थी, इसके दूसरे टेस्ट मैच में लिटन दास के साथ उनकी पार्टनरशिप ने पूरे मैच का रुख बदल दिया था। पिछले एक साल के प्रदर्शन पर नजर डाले तो मेहदी बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान बांग्लादेशी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक मेहदी ने पिछले एक साल में 10 इनिंग्स में बैटिंग की है, जिसमें उनके नाम 47.50 की औसत से कुल 380 रन हैं। वहीं बॉलिंग में मेहदी ने 11 इनिंग्स में 28 की औसत से कुल 23 विकेट्स हासिल किए हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन डालने वाले मेहदी को इंडियन कंडीशन काफी सूट कर सकती हैं। ऐसे में टीम इंडिया को उनसे सावधान रहना होगा। नाहिद राणा। अब बात करते हैं बांग्लादेशी पेस सेंसेशन नाहिद राणा की। श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने वाले नाहिद अपनी स्पीड और लाइन लेंथ से एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। 6 फीट 3 इंच लंबे इस पेसर ने इसी साल मार्च में श्रीलंका के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 21 साल का ये पेसर निरंतर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नाहिद ने कमाल की बॉलिंग की थी। पाकिस्तान की दूसरी पारी में उन्होंने 44 रन देकर 4 प्लेयर्स को आउट किया था, जिसमें कप्तान शान मसूद और बाबर आजम का विकेट भी शामिल था। नाहिद ने अब तक महज 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम कुल 11 विकेट्स हैं। नाहिद अपनी लंबाई और पेस का फायदा उठाकर इंडियन टीम के सामने मुसीबत बन सकते हैं। हसन महमूद। नाहिद राणा की तरह ही टीम इंडिया को हसन महमूद से भी सावधान रहना होगा। 24 साल का ये पेसर गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने का दम रखता है। नाहिद की तरह हसन ने भी इसी साल मार्च में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाहिद के साथ मिलकर हसन ने पाकिस्तानी टीम को धराशायी कर दिया था। हसन ने मैच में पाकिस्तान की दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए थे। हसन ने भी अपने करियर में अभी तक महज 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम कुल 14 विकेट्स हैं। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बांग्लादेश की टीम अभी तक भारत को टेस्ट क्रिकेट में हरा नहीं पाई है, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहाँ किसी भी दिन रिकॉर्ड बन और टूट सकते हैं। उसमें भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जिस तरीके का खेल दिखाया है, उसे देख टीम इंडिया को वाकई सावधान रहने की जरूरत है। भारत दौरे के लिए बांग्लादेश की टीम। नजमुल हसन शांतो, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, शाकिब अल हसन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास, हसन महमूद, तेजुल इस्लाम, महमूदुल्ला हसन जॉय, नईम हसन, जेकर अली अनिक, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा और खालिद अहमद। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।